सो है गाइस, वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर्स। सो कैसे हो आप लोग, होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस, फ्री फायर में एक नया इवेंट आया है कस्टम हंट करके, और इस इवेंट में मेरे भाई काफी अच्छा अच्छा बंडल, लेजेंडरी बंडल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये सारे बंडल लेकर के दिखाने वाला हूँ। मेरे पास 5000 डायमंड है, देखते कितना 1000 डायमंड लगता है ये बंडल लेने में। एंड गाइस आप लोगों को बताया जाएगा कि ये इवेंट में क्या करना पड़ता है और कैसे मिलता है, ये चीज भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर आपको फ्री फायर के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कॉस्ट्यूम हंट करके जो इवेंट है, इसमें आने के लिए, इस इवेंट के सेक्शन में आने के लिए गेम को आप लोग फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे गेम को स्टार्ट करोगे आप लोगों को एक बैनर दिखेगा, ओके इस बैनर पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये नया इवेंट के सेक्शन में आप लोग आ जाओगे। ओके अब बात कर लेते हैं ये इवेंट कब से कब तक चलने वाला है। ओके गाइस, तो ये 3 मार्च से 8 मार्च तक चलेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर बेसिकली क्या करना होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर 40 डायमंड देते हो तो आपका स्टेफी करेक्टर एक बार आगे बढ़ता है, अगर आप लोग 180 डायमंड देते हो तो आपका जो स्टेफी करेक्टर वो 5 बार आगे बढ़ता है। ओके, और आप लोगों का मकसद क्या होता है कि यहां पर जो 6 नंबर है बॉक्स, जो गोल्डन बॉक्स दिख रहा है, ये स्टेफी करेक्टर एग्जैक्ट उसी के जाके लोकेशन पास रुकना होगा। ओके, तो यहां पर हम लोग स्पिन करते हैं, देखते हैं कितना 1000 डायमंड लगता है और हम लोगों को ये वाला बंडल मिलता है। ओके गाइस, सो देखते हैं कितना डायमंड लगता है। ओके गाइस, सबसे पहला स्पिन करेंगे 40 डायमंड वाला और देखेंगे क्या होता है 40 डायमंड में। ओके, तो यहां पर मेरा कितना आया, यहां पर मेरा 5 आया, तो 5 बार मेरा जो स्टेफी करेक्टर है वो आगे बढ़ा। ओके, आगे बढ़ने पर मेरे को एक प्राइज मिली। सो गाइस, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा लास्ट में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 180 डायमंड वाला करेंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या मिलता है, और 6 बार आया। ओके गाइस, ओ भाई, और फिर से कितना आया, 3 आया, और फिर से 3 आ जा भाई, 3 आ जा फिर से। ओ भाई गाइस देख लो, यहाँ पर एक बॉक्स फाइनली मेरे को मिल चुका है लगता है। हाँ लगता है क्या, मिल चुका है गाइस, तो काफी अच्छी बात है गाइस। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर गोल्डन बॉक्स मेरे को एक मिल चुका है, और मैं यहाँ पर रिडीम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सिंपल से क्या करना है रिडीम करने के लिए, सो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। ओके, तो आप लोगों को नीचे एक रिडीम करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, सो रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो भी आपको बंडल चाहिए उस पर डायरेक्टली क्लिक करना है, और डायरेक्ट रिडीम पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आपको ये कन्फर्म बंडल मिल जाएगा। ओके, सो गाइस मैंने इस इवेंट के बारे में बताया हूँ, और कर दिखाता हूं किस तरीके से बंडल दिखता है और मेरे को वॉलेट सेक्शन में ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, तो काफी कम डायमंड लगा गैस और मेरे को ये बंडल मिल गया, तो काफी अच्छी बात है गैस। आप लोग भी जाकर ट्राई करो, देख लो गैस क्या ही बंडल लग रहा है मेरे भाई, काफी पसंद था। जब मैजिक क्यूब में ये बंडल आया तो उस टाइम भी पसंद था, और अभी भी मेरे को ये बंडल काफी पसंद लगता है। ओके, और यहां पर क्रिएट्स में देख सकते हो गैस MP40 का बॉक्स मिला है, तो ओपन करके देखते हैं कि कितना क्या चीज मिलता है। ओके गैस, सो परमानेंट तो नहीं मिलेगा, 7 डेज के लिए मिला। ओके, सो गैस फिर से चलते हैं, एक बार और स्पिन करेंगे। ओके गैस, ओके गैस, यहाँ पर मैं सेकंड आईडी को लॉगिन कर लिया हूँ, क्योंकि ये इवेंट मेरे को काफी अच्छा लगा, कम डायमंड में काफी लेजेंडरी बंडल दे रहा है, सो मैंने सोचा दूसरे आईडी में भी स्पिन करके लेजेंडरी बंडल को ले लिया जाए। ओके, तो यहाँ पर भी मैं स्पिन करूंगा, और इस आईडी में मेरे को 400 डायमंड है, देखते कितना डायमंड में कौन सा बंडल मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मैं स्पिन करूंगा 180 डायमंड वाला और देखूंगा क्या मिलता है। 2 आया और भाई क्या आएगा, 6 आया। ओके गाइस, इस बार क्या आएगा भाई, 5 आजा, 1 आया, और इस बार 6 आ गया यार, कहता है नुबड़ापन हो गया गाइस, चलो कोई बात नहीं, और फिर से 6 आया, चलो कोई बात नहीं गाइस, फिर से स्पिन करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। और यहां पर मेरे को काफी तगड़ा तगड़ा रिवॉर्ड मिला है। ओके, कैंसिल करते हैं और फिर से मैं एक वाला स्पिन करूंगा गाइस, और देखूंगा क्या, ओ भाई 1 आया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्पिन करेंगे, एक ही वाला स्पिन करेंगे गाइस, क्योंकि एक वाला स्पिन काफी अच्छा होता है, और इस बार 6 आ गया गाइस, कहता है नुबड़ेपन हो रहा मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, एक आईडी में काफी अच्छा बंडल मिल गया मेरे को, तो काफी अच्छी बात है गाइस। चलो फिर से स्पिन करेंगे, ओके एक वाला स्पिन करेंगे गाइस, देखते क्या होता है, और भाई इस बार 5 आया गाइस, देखते 5 में अटक जाएगा, अब पर 1 आ गया ना गाइस, बहुत मजा होने वाला है, इस बार 1 आ गया तो मेरे को काफी अच्छा बंडल मिल जाएगा, 1 प्लीज गरीना प्लीज। ओ भाई 3 दे दिया यार, कहते हैं नुबड़ा हो रहा है गाइस, चलो कोई बात नहीं। ओके, एक और स्पिन करेंगे, लेट्स सी क्या होता है, और इस बार मेरे को गरीना प्लीज, ओ भाई 6 दे दिया यार, कहते हैं नुबड़ापन हो गया गाइस, चलो कोई बात नहीं गाइस, काफी अच्छा डायमंड वेस्ट किए, और एक आईडी में मेरे को काफी कमाल का बंडल भी मिला। और आप लोगों को ये इवेंट के कस्टम हंट जो नाम करके इवेंट है, ये इवेंट के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। वीडियो जरा से भी पसंद है मेरे भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोगों के लिए कमाल कमाल का वीडियो बनाया हो जो कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया, आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आपको थंबनेल में देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई काफी तगड़ा वीडियो है। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को भी देखिए, काफी अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।